हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल रेसी कुल्हे ब्लॉग्स में। आप सभी को मेरा जोहर। और आज का ब्लॉग हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे मैं पहले तो जो फोटो दिखाई वो सब सामान सब लेके हम जो है अपने गांव की ओर निकल पड़े हैं। और ये ऑलरेडी मैं एक वीडियो बनाई हुई थी ट्रैवल का, बट मुझसे वो गलती से डिलीट हो गया है। बस कुछ फ़ोटोज़ मेरे साथ है, सो इसलिए मैं फ़ोटोज़ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ आपको। और वीडियो तो बहुत ही अच्छा बना था, बट छोड़िए क्या करें। सो इसी के साथ ही हम अपने गांव पहुंच गए हैं, जो कि राउरकेला टू बड़गांव है। और अभी तक अगर आप लाइक कमेंट शेयर नहीं किए हैं तो कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। सो यहां पे जो है हम बस से निकल के अभी ऑटो से अभी नए गांव जा रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि वीडियोस प्रीवियस वाला डिलीट हो गया, सो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बट कोई बात नहीं। आगे का जितना भी सफ़र होगा हम आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। और ये अभी ऑटो से जो है हम बड़गांव से अपने विलेज के लिए निकल पड़े हैं। और मेरा यह बस स्टैंड का नाम है बड़गांव, जो कि सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और आप जो भी न्यूज़ देख रहे हैं, और यहाँ पर देखिए सामने में जो है मेरा उंगली जहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर बड़गांव का सबसे फेमस बड़ा बड़ा मिलता है। देखिए यहाँ पे गाड़ी सब लाइन से खड़े हुए हैं। हम भी अगर मौका मिलेगा तो यहाँ पे ज़रूर हम बड़ा बड़ा खाने आएंगे। सो यहाँ पे इवनिंग तक पूरा एकदम यहाँ तक गाड़ी रहता है। सो बस अभी रास्ते में है। वैसे तो हमारा गांव बैक से मतलब पहले से ही आ जाता है, बट वहाँ पर बस नहीं रुकता है और वहाँ से ट्रांसपोर्ट का थोड़ा प्रॉब्लम होता है गाँव के अंदर जाने के लिए। सो इसीलिए ही हम बड़गांव में उतर के फिर जाके वहाँ से ऑटो वगैरह लेके गाँव जाते हैं। तो ये है हमारा गांव का मेन हाईवे वाला रास्ता। और गांव के बाद इसके बाद हम एंट्री करेंगे, सो आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे गांव का अभी एंट्री करने वाले हैं, जो कि मेरा गांव का नाम मतलब हाईवे के तरफ से कोटिया मुरा है। और मेरे जहां पे घर है वो अंदर है। तो यहां से जो है हमारे गांव के लिए रास्ता स्टार्ट हो जाता है। तो हर किसी को जो है अपना जन्मभूमि जहाँ पे वो जन्म हुए हैं वो मिट्टी हमेशा ही अच्छा लगता है। सो मैं यहाँ पे ही पैदा हुई हूँ, सो मुझे ये गांव बहुत पसंद है। और आप लोगों को तो प्रीवियस वाले ब्लॉग्स अगर आप देखते होंगे तो आप लोगों को पता ही है कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं है। सो जैसे ही हम अभी गाँव में एंट्री करते हैं तो दोनों तरफ खेत ही खेत है और हरियाली ही हरियाली है। और उसी के साथ ही कासतंडी का फूल भी यहाँ पे है, जो कि वाइट वाइट दिख रहा है, ये दोनों तरफ है। और बहुत ही अच्छा वाइब्स आ रहा है जैसे ही हम गांव में एंटर करते हैं, तो बहुत अच्छा फील होता है। सो आप लोग अपने गांव जाते हैं कि नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या फिर आप गांव में ही रहते हैं वो भी कमेंट करके हमें बताइएगा। गांव का घर इतना ज़्यादा सुंदर तो नहीं, बट जितना भी होता है रहने लायक है और बहुत ही अच्छा रहता है। सो इसी तरह ही हम जो हैं अपने घर के पास तक आ गए हैं। आगे आप देखते रहिए हम कैसे क्या पहुँचते हैं और उसके बाद क्या करते हैं। और हम घर पहुंचने वाले हैं, आखिरी टाइम आ गया है। और यहाँ पे मेरे बड़े पापा खड़े हुए हैं बाहर, आप देख सकते हैं मेरे बड़े पापा वहाँ पे खड़े हुए हैं। तो हम घर में पहुँच गए हैं और बाकी लोग बाहर हैं। तो हम अभी घर में एंट्री कर रहे हैं। और इधर के साइड से ऐसा दिखता है और मेरे बड़ी मम्मी बाहर क्या कर रही है पता नहीं। घर के एंट्री करते ही ये हमारे स्वागत के लिए यहाँ पे खड़ी हुई है। नमस्कार। तो उसके बाद ही हमारा घर ऐसे है, ये पुराना घर है हमारा। रहा हमारा पुराना घर, सो आप इग्नोर कीजिएगा बिकॉज गांव का घर ऐसे ही रहता है। और इधर बड़े बड़े भैया और भाभी लोगों का घर है। और हो सकता है मैं वॉइस ओवर दे दूं बिकॉज अभी मैं बहुत ही स्लो आवाज़ कर रही हूँ। और ये रहा मम्मी का रूम, यहाँ पे है मम्मी का रूम, मम्मी शादी करके इस घर में आई।
हमारे यहाँ का कल्चर है कि जैसे भी मेहमान घर आते हैं तो पैर को धोया जाता है और ऐसे देखिए पैर को छू के नमस्कार करते हैं। बाकियों का रिचुअल्स कुछ अलग रहता है, मतलब जैसे आप अगर और कहीं जाएं तो आपका हाथ पहले धोया जाता है, बट हमारे यहाँ पे पहले पैर को धोया जाता है, उसके बाद ही जो भी रहता है वो करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फ्रेश हो गए हैं और मैं आपको अभी दिखा रही हूँ कि घर कैसा है और कैसा नहीं है। तो मेरा जो घर है गांव का घर, वो ज़्यादा तो बिल्डिंग टाइप नहीं है, बट जो पुराना वाला कुछ घर है, ये दो साइड में हम पुराना है, मतलब हाँ पीछे तरफ भी और एक पुराना घर है जो कि मैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी। बट ये वाला घर जो है मिट्टी का है और दो सीमेंट का है। सो यहाँ पर देखिए मेरी भांजी जो है वो कुछ ढूँढ रही है, तो हम उसी से ही बात कर रहे हैं और कन्वर्सेशन आप आगे सुनिए। हजी हजा जी बा কবাট কে দুলি বনে দিয়েছে सो गांव में देखिए ये हमारे पुराना वाला घर है। सो यहाँ पे देखिए काला जो है, काला कलर का बनाया जाता है, गोबर और पुआल बोलते हैं उसको जला के। सो उसके बाद इसको अच्छे से लिपाई होता है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से लिपाई हुआ है। और इसके बाद थोड़ा सा खान पान करेंगे, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। और ये है हमारे घर का बैक साइड और यहाँ पे हमारे क्यूट सी अनन। सो आके बहुत अच्छा लग रहा है और पता नहीं सब कोई कैमरा फेस करेंगे कि नहीं, मैं कोशिश करूँगी जो है अपने ब्लॉग में सबको लाने के लिए। ये कोई आए ना आए ये जरूर आएगी। हाय कर दे, हाय हाय कर दे, हाय कर दे, टाटा कर दे हमें, हाय। मोर ना अनन्या कही दिलो, कही ना मोर ना अले? कह न सब देखे एथिका मोर सांग मन एने देखसन कहाँ से देखसन ताकि भल लग सी देखी के दे। मोर ना अनन्या, मेरा नाम अनन्या। पड़ो पड़ो ये रही प्रिंसेस और ये रहा प्रिंस, प्रिंस भाभ्यांस प्रिंस। ये जो है ये छोटी भाभी की बेटे हैं, छोटी भाभी के बेटे हैं। काना गीत गाऊ छो ये रहा भाव्यांश, भाव्यांश हमारी छोटी भाभी की बेटे हैं और बहुत ही क्यूट हैं, जो कि अभी सिंदूर लगाए हैं, चंदन लगाए हैं, गणेश जी को दर्शन किए हैं। और ये अभी क्या खा रही है, भूगो खाऊ चीजें। बाकी सब काम में व्यस्त होने के कारण हम जो है, ये हमारा सबसे छोटा भांजा है और इसी को हम बोतल वाला मिल्क पिला दे रहे थे और उनकी मम्मी जो है कुछ काम करी थी इसलिए हम उनको खाना खिला दे रहे थे। और बहुत ज़्यादा गर्मी है गांव में, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रहा है। और ये रहा हमारा जो है भांजा, बड़ा भांजा जो कि उसका नाम है अभय। हमारे घर के सारे बच्चे हैं और ये एक बच्चा इधर है, कहाँ गया उधर है। तुमके गिना नहीं दे, तुमके गिना नहीं दे, तुमके गिना नहीं दे, तुम्हारे बाग कहीं गला। बाहर भी एकदम बारिश टाइप किया हुआ है, उस वजह से जो है बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है और गर्मी ही सहन नहीं हो पाता है हमसे।
सो फिर आगे आप देखते रहिए, ब्लॉग को पूरा देखिएगा, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोशिश करेंगे अच्छा अच्छा ब्लॉग्स आपके लिए लाने के लिए। और ये रहा हमारा रसोई घर, जो कि अभी पूरा अंधेरा दिख रहा है बिकॉज लाइट्स नहीं है यहाँ पे अभी। सो यहाँ पे अभी पूरा ही अंधेरा के साथ हम अंदर जाते हैं। अंदर जो है हमारा चूल्हा है, गैस दूसरे तरफ रहता है, गैस कभी कभी यूज़ करते हैं, गाँव में तो ये चूल्हा में ही सब कुछ बनता है। तो यहाँ पर कुछ खाना बैठाया गया है और आगे आप कंटिन्यू रहिए और जो जो भी हम करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे, जितना हो सकेगा हम ज़रूर करेंगे। सो इस ये वाला ब्लॉग शायद ही थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, बट प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा और हमें सपोर्ट करते रहिएगा। सो हे फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और ये इवनिंग का टाइम है और अभी तो कुछ नहीं, बैठे हुए हैं और खाना पीना सब बन रहा है। सो इवनिंग के वजह से जो है अंधेरा दिख रहा है। और ये वाला जो रूम में हम हैं, ये पुराना वाला रूम है जैसे कि मैं आपको दिखाई हुई थी, जो कि काले वाले मिट्टी से लिपा गया है। सो इसका ही एक अलग सा ही एक क्या बोलते हैं वाइब्स है। और गर्मी जो है, जितना आप सीमेंट के घर में रहेंगे जितना गर्मी लगता है ना मिट्टी के घर में, उतना गर्मी नहीं लगता है। आप पीछे तरफ भी देख सकते हैं, ये पूरा ही मिट्टी का ही घर है। और ऊपर का जो है ये खपर बोलते हैं, आपके इधर इसको क्या बोलते हैं आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। हमारे यहाँ इसको खपर बोलते हैं। तो बस यही घर है एंड अभी बैठे हुए हैं, कुछ देर के बाद हम डिनर करेंगे। और आज इवनिंग का बाहर जाने का एक प्लान था बट जो है अभी नहीं गए, लाइक टायर्ड हो गए हैं। सो खाने के वक्त मिलते हैं फिर। तो ये रहा हमारा नाइट का व्यू और ऊपर आसमान में सिर्फ एक ही दो तारे दिख रहे हैं जो कि दिख ही नहीं रहा है। और लाइट्स भी बहुत कम बल्ब यूज़ होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है। ये हमारा जो है ना, ये छोटे भाई लोग रहते हैं और उधर बड़े भैया लोग रहते हैं। और हमारा और भी जो है उधर रूम सब बनाया गया है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में दिखाऊँगी। एंड अभी खाने का टाइम है तो बड़े भैया वहाँ खड़े हुए हैं, तो हम लोग जाते हैं। एक्चुअली नहीं, यहाँ पर कैमरा शायद सब हैं तो मैं सबको कैप्चर नहीं कर पाऊँगी। एंड आपको रसोई का घर भी दिखाती हूँ, लाइक देखिए ये रहा हमारा चूल्हा। तो हमारे घर में देखिए पूरा हम टोटल अभी 15 मेंबर्स हैं, तो काफ़ी उस टाइप का सब दिख रहा होगा। सो देखिए फ्रेंड्स, ये रहा गांव का चावल, बहुत ही अच्छा वाला। और ये दाल और इसके साथ सब्जी और इसके साथ माड़ पानी। नहीं, बहुत ही टेस्टी वाला खाना। चलिए खाना खाते हैं फिर। सो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, घर का जेंट्स पहले खा लेते हैं। सो इसके बाद यहाँ पे बड़ी मम्मी बैठी है, फिर भाभी बैठेंगी, फिर मम्मी और हम इधर बैठे हैं। सो गाँव का खाना बहुत ही टेस्टी के साथ, चलिए खाना स्टार्ट करते हैं। आई डोंट नो वाई बट मुझे जो है ना कि गांव का जो चावल होता है वो सबसे टेस्टी लगता है। मतलब आप जितने भी बड़े मॉल से भी लाके जो चावल दोगे और उसके सामने अगर गांव का चावल रखोगे ना, तो मैं ऑलवेज जो है गांव का चावल चूज़ करूँगी, क्योंकि पता नहीं उसमें अलग सा ही टेस्ट रहता है और बहुत ही अच्छा लगता है। सो मैं जब भी घर में आती हूँ ना, तो मैं उनको बोलती हूँ कि मुझे गांव का चावल का ही खाना खाना है। सो इसलिए देखिए, यहाँ पे खाने में बहुत ही सिंपल चीज़ है बट बहुत ही टेस्टी लगता है, और चूल्हे का है तो ऑलवेज पसंद है मुझे। तो यहाँ पर खाना ख़त्म कर लिए यहाँ, और सिंपल है, बहुत अच्छा लगा, मुझे तो बहुत मज़ा आया। और यहाँ पे सोने का तैयारी कर रहे हैं क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा है गाँव में। तो ये मेरे छोटे भाई भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, और इसी के साथ ही मैं मम्मी को हेल्प कर दे रही थी यहाँ पे नेट लगाने के लिए। और काफ़ी अच्छा नींद आया रात को, मैं सोच रही थी कि शायद बहुत गर्मी होगा बट नहीं हुआ ज़्यादा गर्मी, ठीक है, अच्छा लगा। तो अभी हम सोने का तैयारी करते हैं। उम्मीद है आपको हमारे ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ज़रूर, और लाइक कर दीजिएगा, और हमें ऐसे ही प्यार करते रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। हमसे कोई गलती हो तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा।